लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। वजाइनल इन्फेक्शन का कारण बनती हैं ये आपकी खराब आदतें। बदलाव जरूरी है और बदलना भी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा, आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन की घंटी बजा दें जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। महिलाओं में वजाइनल इन्फेक्शन की समस्या बहुत कॉमन होती है, लेकिन वजाइनल इन्फेक्शन आगे चलकर गंभीर रूप लेता है जिससे उठने बैठने में कठिनाई महसूस होती है और आपकी सामान्य दिनचर्या प्रभावित हो सकती है। वजाइनल इन्फेक्शन को वजाइनल कैंडिडोसिस या ईस्ट इन्फेक्शन भी कहते हैं। वजाइनल इन्फेक्शन होने पर योनि में खुजली, जलन और वाइट डिस्चार्ज निकलने लगता है। वजाइनल इन्फेक्शन के पीछे कुछ खराब आदतें हो सकती हैं। हमारी आदतों का सीधा असर सेहत पर पड़ता है, इसलिए असामान्य लक्षण नजर आने पर अपने हैबिट्स पर गौर करें। चलिए जानते हैं वजाइनल इन्फेक्शन के लिए जिम्मेदार आपकी 5 खराब आदतों के बारे में। सबसे पहले है एंटीबायोटिक्स का ज्यादा सेवन करना। अगर आप हर छोटी शारीरिक समस्या में एंटीबायोटिक का सेवन कर लेती हैं तो इस आदत के कारण वजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है। एंटीबायोटिक्स की मदद से बैक्टीरियल इन्फेक्शन का इलाज करने में मदद मिलती है, लेकिन एंटीबायोटिक्स का ज़्यादा सेवन करने से वजाइना का नेचुरल बैलेंस बिगड़ जाता है। इससे हानिकारक बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ने लगती है। डॉक्टर की सलाह के बगैर एंटीबायोटिक्स का सेवन ना करें। दूसरा, लाइफस्टाइल से जुड़ी खराब आदतें। वजाइनल इन्फेक्शन का कारण लाइफस्टाइल से जुड़ी खराब आदतें हो सकती हैं, जैसे हेल्दी डाइट का सेवन ना करना। हेल्दी डाइट ना लेने से इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। अक्सर इम्यूनिटी के कारण शरीर इन्फेक्शन से लड़ नहीं पाता है। वजाइनल हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए अपनी डाइट में होल ग्रेन्स, सब्जियां और ताजे फलों को शामिल करें। इसी तरह नींद पूरी न करने और तनाव लेने के कारण भी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और वजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए इस तरह का लाइफस्टाइल में सुधार करें। तीसरा, ज्यादा टाइट पैंटी ना पहने। अगर आप ज़्यादा टाइट पैंटी पहनती हैं तो एयर फ्लो ब्लॉक हो जाएगा और बैक्टीरिया पनपने लगेंगे। हमेशा सही फिटिंग वाली कॉटन अंडरवियर पहनें। इसके अलावा कुछ महिलाएं गर्मी के दिनों में पसीने से भीगी अंडरवियर पहनी रहती हैं। इस आदत से भी वजाइनल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। ड्राई अंडरवियर पहने और पीरियड्स के दौरान अपने साथ एक्स्ट्रा अंडरवियर रखें ताकि ब्लीडिंग के कारण आपको गंदी अंडरवियर ना पहनना पड़े। खुशबू वाले उत्पादों का इस्तेमाल करना। आप दिन वजाइनल इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं। आए दिन वजाइनल इन्फेक्शन का शिकार हो जाती हैं तो उसका कारण है खुशबू वाले उत्पादों का ज्यादा इस्तेमाल हो सकता है। कई महिलाएं वजाइनल एरिया में खुशबू वाले साबुन या स्प्रे का इस्तेमाल करती हैं। इस गलत आदत के कारण वजाइना का पीएच बैलेंस खराब हो जाता है। इंटीमेट हाइजीन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने के बजाय महिलाओं को वजाइनल एरिया क्लीन करने के लिए गुनगुने पानी और बिना खुशबू वाले साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए। पब्लिक टॉयलेट का ज्यादा इस्तेमाल करना। कुछ महिलाएं फ्रेश होने के लिए किसी भी टॉयलेट का इस्तेमाल कर लेती हैं, लेकिन अगर आप भी हर दिन पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करती हैं तो वजाइनल इन्फेक्शन का शिकार हो सकती हैं। पब्लिक टॉयलेट सफाई के मामले में पीछे होते हैं। इसका कारण है पब्लिक टॉयलेट का ज़्यादा इस्तेमाल। कोशिश करें कि पब्लिक टॉयलेट में वाइप्स और टॉयलेट सीट सैनिटाइजर का प्रयोग करें। तो ये था हमारा आज का वीडियो आपके लिए।
कैसा लगा आपको कमेंट करके बताएं, या कुछ आप जानना चाहती हैं पूछना चाहती हैं तो भी हमारे से इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकती है। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपके प्रश्न का रिप्लाई देने का। धन्यवाद।